बसमरिम असल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब हैर हैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन का हमने मैन एनज एनवायरनमेंट का हमने पोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें हमने बेसिकली उसकी टाइप्स को स्टडी करना है दो टाइप्स जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं दैट इज़ एयर पोल्यूशन जिसको आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहते हैं और वाटर पोल्यूशन और सेकेंडली है वाटर पोल्यूशन इन दोनों टॉपिक्स को आज हमने इन दोनों में से एक टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है सबसे पहले कंटेंट्स देख लें ताकि आपको क्लियर हो तो जाए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है पोल्यूशन क्या चीज़ है आप कहते हैं एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं ये कौन से ऐसे मैनिफेस्टेशन हैं जो ह्यूमंस के लिए और दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेजम्स हैं उनके लिए हार्मफुल हैं जैसे ओजोन लेयर डिप्रेशन होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया और एसिड रेन वगैरह हो गया यू कैन सी यहाँ पे आपके सामने आपका नज़र आ रहा है ये फैक्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ वगैरह है, चिमनीज हैं इंडस्ट्रीज की जो चिमनीज़ हैं उनसे जो धुआं स्मोक जो निकलता है वो हमारे एटमोसफेयर में एड होता है इट मीनस कि हमारी एटमोसफियर हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है और ये किसकी वजह से है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है सबसे पहले बात करते हैं बेटा पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स की पोल्यूशन किसे कहते हैं आपकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी है पहले हम उसको देख लेते हैं बुक पर आपके डेफिनेशन जो लिखी है वो इस तरह से है कि बी फॉलिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय एनीथिंग प्रोड्यूसड बाय ह्यूमंस ठीक है कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से हमारी इन्वामेंट हमारा माहौल जो है अगर वो आलूदा हो रहा है उसको आप पोल्यूशन कहते हैं ठीक है ह्यूमन जो चीज प्रोड्यूस कर करें वो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकती है वो किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल हो सकती है ठीक है विच इज़ और विच मे बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हो उसके अलावा एक और डेफिनेशन जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइड पे शो किया वो क्या है रिलीज ऑफ मनी सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट विच कॉज हार्म टू पीपल और अदर ऑर्गेनिजम्स और इन दियर एन्वायरमेंट ठीक है कोई भी ऐसा सब्सटेंस या एनर्जी जो हमारे इन्वामेंट में रिलीज़ होती है जो आ, लोगों को नुकसान पहुंचाती है दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाती है या हमारे माहौल में आलूदगी फैलाती है उसको हम बेसिकली पोल्यूशन का नाम देते हैं पोल्यूटेंट्स क्या चीज़ होते हैं वो केमिकल्स जो इन्वायरमेंट को इम्प्योर करते हैं उसको आप पोल्यूटेंट्स कहते हो ठीक है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में आलूदगी करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को नापाक करते हैं उन सब्सटेंसेस उन chemical, उन सब्सटेंसेस को उन केमिकल्स को आप बेसिकली पोल्यूटेंट्स का नाम देते हो uh, कुछ अगर हम पोल्यूशन की टाइप्स की बात करें तो कुछ टाइप्स हैं जो हम हमने अपने आई थिंक छोटी क्लासेस में भी देखी होगी प्राइमरी क्लासेस में भी इनका नाम पढ़ा होगा कौन कौन सी हैं एयर पोल्यूशन जिसको आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहते हो वाटर पोल्यूशन जिसको हम एक्वेटिक पोल्यूशन भी कह सकते हैं देन सॉयल पोल्यूशन रेडिएशन पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन जैसे कि आप ये मैं देख सकते हो आपको नजर आ रहा होगा कि नॉइस पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन रेडिएटिव पोल्यूशन सॉयल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो है वो बेसिकली किस तरह से हमारे इन्वायमेंट को पोल्यूट करती है या वैसे कौन सी वजह वजूहत हैं कॉजेज़ हैं या सोस हैं जिनके ज़रिए ये पोल्यूशन जो है डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है सबसे सब पहले डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है क्योंकि नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन वो हम अपने इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन क्या है हम एयर पोल्यूशन बिजली रहती है हमारी एयर हमारी एयर आ जाती है एयर मतलब हमारी हवा जो हम इन्हेल करते हैं जिससे हम आगे एक्सहेल करते हैं इन्हेल हम क्या चीज़ करते हैं अपनी एयर में से ऑक्सीजन डिफरेंट गैसेस हैं जिसके साथ हम एक्सहेल क्या चीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस जो जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है जिनको हम यूज यूटिलाइज नहीं कर सकते है. तो कंटामिनेशन ऑफ एयर विद सब्सटेंसेस दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एयर का बीफाउल होना किसी भी ऐसी चीज़ से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो उसको आप एयर और या एटमोसफेरिक पोल्यूशन कहते हो अब एयर में जो कंटामिनेशन कॉज हो रही है जो सब्सटेंसेस एयर में मौजूद हैं वो क्या होंगे वो पोल्यूटेंट्स होंगे यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में प्रेजेंट है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनको आप एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देते हो और एयर पोल्यूशन की सबसे फास्टेस्ट सोर्स जो है वो ये एयर पोल्यूटेंट्स ही होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई हाइड्रोकार्बन्स हो गए सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए लेड कंपाउंड्स हो गए क्लोरोफ्लोरोबन हो गए ये वो कह लेंगे गैसेज ये कंपाउंड्स हैं केमिकल्स यहाँ फुल सब्सटांस हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स में आते हैं जो हमारी एयर को हमारी एटमोसफेयर को पोल्यूट करते हैं हमारे लिए प्योर उसकी प्योरिटी जो है वो कम कर देते हैं मैनिफेस्टेशंस के लिहाज से बात करें तो मैनिफेस्टेशंस में ज़्यादातर आ जाती है तीन कंडीशन हैं जो हमने आगे डिस्कस करनी है ओजोन लेयर का डिप्लीट होना ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और लास्ट एंड थर्डली लास्ट वट नॉट द लीस्ट दैट इज एसिड रेन जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है तो अब यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिहाज से बात कर रहे हो तो एयर जो है जब से आप कह रहे हो कि पास एराज से अगर मॉडर्न एयराज की बात करो जैसे जैसे ह्यूमंस का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता गया इंक्रीज करता गया है हमारी एयर जो है वो क्लीन नहीं रही ठीक है ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एयर में मौजूद हैं सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी इसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मीन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये सारे चीज़ें ये सारी जो कह लें कि एयर पोलूटेंट्स हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी इन्वायरमेंट में हमारे एटमोसफेयर में हमारे एयर में एड हुए हैं ये किसकी वजह से हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं ठीक है अब लेड की बात करें लड uh, जो है बेसिकली पेट्रोल में प्रेजेंट होता है हम बाइक चलाते हैं हम मोटर चला मोटरसाइकिल चलाते हैं हम गाड़ी चलाते हैं वो पेट्रोल यूज़ होता है लेट बर्न होता है वो लेड कहाँ पे रिलीज़ होता है जो गाड़ियों का धुआं है वो कहाँ पे जाता है हमारी एयर में जाता है ठीक है उसी तरह से नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से कहाँ से कहाँ पे जाता है ये रिलीज़ होता है हमारे इन्वायरमेंट में हमारी एटमॉस्फेयर में तो ये एयर पोल्स हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं हमारे लिए हार्मफुल करते हैं इम्प्योर करते हैं

ह्यूमनस के लिए दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है ठीक है प्योर फॉर्म में अगर हम देखें तो ओजोन ब्लूइश कलर की होती है ये बहुत एक्सप्लोसिव और हाइली पॉइजनस होती है ओजोन को आप लिखते किस तरह बेसिकली ये ओ3 से आप इसको लिखते हो ओजोन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर तीन ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो एक साथ बाउंड हुए हुए होते हैं तो इट मींस ओजोन को आप किस तरह से इसका सिंबल लिखोगे ओ थ्री के साथ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देख लो तो बेटा स्लाइटली ये पानी में सॉलेबल होती हैं ये चीज़ें आप ये पॉइंट्स आपकी बुक में मैंशन नहीं है जो मैं बोल रही हूँ कोशिश करेंगे उनको नोट डाउन कर लें ठीक है एज कम्पेयर टू पोलर सॉलवेंट्स या वाटर ये इनर्ट uh, uh, जो है कि नॉर्म पोलर सॉलवेंट्स में ज़्यादा जल्दी सॉलेबल होता है ठीक है लाइक like, uh, आप कह सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह ठीक है इसका कलर आपको बताया अभी कि ब्लूइश होता है डार्क ब्लू कलर इसकी फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा ओजोन जो है वो इतनी डेंजरस होती है कि आप कह लो कि ये हेडिक कॉज कर सकती है आइज में इरीटेशन कॉज कर सकती है हमारे रेस्पायरेटरी uh, पैसज में इरीटेशन कॉज कर सकती है तो इसका हमारी एयर में लो कंसट्रेशन लो कंसनट्रेशन में ही मौजूद होना जरूरी है अदरवाइज लो कंसनट्रेशन में ये होती भी नहीं है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन uh, में है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लेकिन ओजोन की अगर कंसनट्रेशन एयर में कम है तो आप कर लो कि ऑर्गेनिक मटीरियल्स को डिस्ट्रॉय uh, करना उनको डिस्ट्रॉय करना इसलिए आसान होता है ठीक है अगर ओज़ोन जो है एयर में लोअर कंसट्रेशन में मौजूद है तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है जैसे लाइक आप कह लें प्लास्टिक हो गया ठीक है टिश्यूज एनिमल टिश्यूज़ वगैरह हो गया तो ओजोन बेसिकली देखा जाए तो इसका काम क्या है ये हमारी आ, अर्थ की सराउंडिंग पे एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बेस पे देखें तो जैसे कहा कि ये लेयर जो है डिप्लीट हो रही है ठीक है डे बाई डे अगर हम पिछले कुछ पास्ट फ्यू ईयर से देखें इसको तो सिंस पास्ट फ्यू इयर्स ओजोन लेयर जो है बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है इतनी तेज़ी से डिप्लीट हो रही है कि कुछ साल पहले कहा गया था कि एंटार्टिका में ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल बन चुका है जिसकी वजह से यू वी रेडिएशन्स जो हैं वो अर्थ पर फॉल कर रही हैं हमारी ज़मीन पर आ रही हैं जो हमारी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एंटार्टिका के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचा रही है उनके लिए हार्मफुल साबित हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक इमेज शो की गई है एक आप साथ इमेज शेयर कर रही हूँ बेटा अर्थ की इमेज है जहाँ पे एक ओजोन उज लेयर का होल सा दिखाया गया है ये ओजोन होल जो है बेसिकली किस वजह से बना है बहुत ज़्यादा लेयर का ब्रेक डाउन या थिन होने की वजह से ओजोन लेयर जितनी थिक होती है हमारे लिए उतनी बेनिफिशियल है यूवी रेडिएशन नहीं आ सकती ये आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जा रही है टूटती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इट मीनस कि यूवी रेडिएशन अर्थ पर फॉल कर सकती हैं ठीक है तो ओजोन लेयर किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है आप देख सकते हैं अर्थ के इर्द गिर्द ये शील्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जहाँ पे होल बन जाए जहाँ पे ये लेयर टूट जाए वहाँ से वो सूरज से जो यू ही रेडिएशन आती हैं वो अर्थ पे फॉल करेंगे ह्यूम जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन प्लांट्स को भी ये नुकसान आ, ये रेडिएशन जो है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ओजोन लेयर का फंक्शन जो कि एज अ शॉर्ट भी आपको पूछा जा सकता है तो इसका फंक्शन क्या है कि ये ओजोन लेयर जो है ये हम हमें आप कह रहे हैं हमारी अर्थ को बेसिकली या ह्यूमंस को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूवी uh, रेडिएशन जो सन की यूवी रेडिशन है उनसे प्रोटेक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर और एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एक्ट करती है ठीक है तो इसकी थिकनेस कम होने का मतलब क्या है कि इसकी थिकनेस अगर कम हो रही है इट मीनस कि यूवी रेडियंस जो है वो अर्थ पे फॉल कर सकती हैं और इसकी थिकनेस कब कम होती है जब क्लोरोफ्लोरोबंस uh, जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएँ ठीक है तो ओजोन लेयर डिप्रेशन की कॉजेज़ के लिहाज से बेटा अगर आप तो देखो तो कॉजेज़ में सबसे पहला कॉज इसका आता है कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मकदार जो है वो डे बाई डे ज़्यादा होती जाएगी तो ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी अब यही पॉइंट बोला था अब सी एफ सी क्या है क्लोरो फ्लोरोबन बेसिकली तीन गैसेज का कॉम्बिनेशन है तीन मोलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से ये एक मॉिक्यूल बनता है क्लोरीन फ्लोरिन और कार्बन अब ये सी एफ़ सीज का लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोर कार्बन का लेवल जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है हम एयर कंडीशनर्स ए सी यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेटर्स मतलब फ्रिज वग़ैरह यूज़ करते हैं और बहुत सारी वहीकल्स ऐसी हैं जिनसे सी एफ़ सीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ठीक है तो सी एफ़ सीज़ का राइज़ करना इट मीनस के अल्ट्रा वोलेट जो हैं वो सी एफ़ सीज़ को ब्रेक करते हैं क्लोरीन रिलीज़ करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन का रिलीज़ करने का मतलब क्या है कि ओजोन ले, लेयर के अंदर जो ओजोन है ओ थ्री जो है वो टूटना शुरू हो जाती है ठीक है अब वो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में इतनी तेज़ी से टूटता है बेटा कि आप कह लो कि उसका रीफॉर्म का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है लेकिन उसके टूटने का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है और वो जितनी तेज़ी से टूटता है जो लेयर उतनी तेज़ी से थिन होना शुरू हो जाती है आपकी बुक पे एक येलो पेज येलो सॉरी बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर टू सेवेंटी थ्री में बट उसको ध्यान से देखिएगा उसमें ये इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है ये एक कि एक सिंगल क्लोरीन क्लोरीन आइटम अगर यू वी रेज के साथ रिएक्ट कर जाए और ट्रावल एड के साथ रिएक्ट कर जाए तो अप्रॉक्सीमेटली वन मिलियन ओजोन लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है ब्रेक डाउन कर सकता है और वन मिलियन ओजोन लेयर टूट गई इट मीन्स कि उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है तो जैसे जैसे ओजोन लेयर थिन होना शुरू होती है यूवी वी जो है वो सन से अर्थ तक पहुंचना शुरू हो जाती है तो लेवल ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ड्रामेटिकली ड्रेस्टिकली फॉल कर जाएगा तो इट मीन्स कि ओजोन लेयर के अंदर होल बनना शुरू हो जाएंगे और वो होल जो है वो बेसिकली क्या करेंगे वो होल यू वी रेडियशंस को अर्थ सर्फेस पर लेके आएंगे जो अर्थ पे जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसको इफेक्ट करेंगे हमारी एटमोसफियर हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इनक्रीज़ करेंगे ठीक है तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स अगर आप देख लो आ, बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपके साथ इमेज शेयर की गई है एक क्लोरीन का एटम ओजोन के साथ अगर कर कंबाइन करता है तो वो ओजोन के ओ थ्री मालिक्यूल को तोड़ देता है ठीक है ओ थ्री मोलिक्यूल को तोड़ा इट मीन्स के एक ऑक्सीजन भी रह सकता है दो ऑक्सीजन भी रह सकते हैं एक रिमूव हो जाएगा दो रह जाएंगे या दो रिमूव हो जाएंगे एक रह जाएगा ठीक है इस तरह से ओजोन मोलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है इसको बेटा हाईलाइट कर ले साथ उसके बाद हार्मफुल पॉइंट्स अगर हम देखें इसके बेटे तो हार्मफुल पॉइंट्स इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं जैसे जैसे ओजोन लेयर जैसे भी कहा कि जैसे जैसे ओजोन लेयर थिन होती जाएगी यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ सर्विस पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे ये रेज जो है वो जितनी भी लाइफ है जिस तरह के भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनको इफेक्ट करेगी हमारी सराउंडिंग पर टेम्परेचर इनक्रीज़ कर देती है उसके अलावा ह्यूमस के केस में देखें तो स्किन कैंसर कॉज करती है कैटारैक्ट्स भी इस वजह से यूवी रेडिएशन की वजह से होते हैं कैटारैक्ट्स किसे कहते हैं सफेद मोतिया को कहते हैं ठीक है आ, ये भी रीज़न होती है सफेद मुदिया के होने की कि अगर हमारी सराउंडिंग पे यूडिशन ज़्यादा हो जाए और जोन ले डिप्लीट होने की वजह से तो सफेद मुदिया हो सकता है उसके अलावा एक एज लिमिट भी होती है कैटरेक्ट्स होने की उसके अलावा जितने भी हमारी आ, क्रॉप हैं है, हमारे प्लांट्स हैं हमारे ट्रीज़ हैं मेरीन लाइफ में मेरीन एरिया में या मेरी वाटर बॉडीज में जो प्लांटन्स ड्रिफ्टिंग एनिमल्स ड्रिफ्टिंग प्लांट्स मौजूद हैं उन पर भी इफेक्ट करता है उसके अलावा हमारा वेदर पैटर्न जो है वो चेंज करता है वेदर पैटर्न चेंज होना इट मीनस कि हमने ये भी अभी यही कहा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली बात है हमारा मौसम जो है हमारे का जो वेदर है वो पार्टरेंग उसके पैटर्नस जो हैं जिस पे, जिस टाइम पर जिस ड्यूरेशन में चेंज होना चाहिए उसके पहले वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर एक इमेज शेयर की गई बेटा इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्रेशन वही आपके सामने है कि स्किन को इफ़ेक्ट करता है प्लांट्स प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ साइकिल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और मेरीन यानी कि वाटर बॉडीज़ जो हैं इक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में जितनी भी लाइफ है मेरीन लाइफ जो है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है सेकेंड है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली एयर की वजह से कैसे होता है अगर हमारे अर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए ठीक है एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अगर हमारे अर्थ पे ये एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्यूमुलेट हो जाए इनकी मकदार इनका लेवल इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो हमारा अर्थ जो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाता है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं इन अदर वर्ड्स इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ठीक है अब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल क्या है हमने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का नाम लिया एटमॉस्फेरिक गैसेस में और भी बहुत सारी गैसेस आती हैं जरूरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ही हो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो हीट जो बनती है ग्रीन हाउस के अंदर उसको बाहर स्केप आउट नहीं होने देती ठीक है तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे प्रमोट करती है या उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल क्या होता है जैसे कि आपको पता है हम यानी कि ह्यूमंस या एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करते हम इसको एक्सहेल करते हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो Uh, हमारे अर्थ का हमारे एटमॉस्फेयर का आधे से ज़्यादा अबाउट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स या जो ओशनस हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बाकी जो है वो आहिस्त आहिस्ता हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर रीजन्स के अंदर लोअर पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट uh, होना शुरू हो जाते हैं एक थिक लेयर के फॉर्म में तो ये थिक लेयर जो बनती है इसकी वजह से हीट एस्केप आउट नहीं होती नॉर्मली क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं अर्थ को हीटअप करती हैं और जो हीटेड अर्थ है वो री रेडिएट होता है ठीक है यानी कि वो री रेडिएट हीटेड अर्थ जो है वो री रेडिएट्स करता है जो एबजॉर्ब हीट एनर्जी है बैक इन द स्पेस एक जो नॉर्मल थिन लेयर बनी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की उसके ज़रिए ठीक है यानी कि उस हीटेड एनर्जी को उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएगा बैक इंड द स्पेस लेकिन किसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की थिन लेयर के जरिए जिसकी वजह से अर्थ सर्फेस का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रहता है ठीक है एक रेंज में रहता है जिसको इसको हम बेसिकली ग्रीन हाउस का नाम देते हैं ठीक है पॉइंट समझ में आया दोबारा पॉइंट बोल देती हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो मे बी आपको समझ में ना आए इसलिए ध्यान से सुनिए कि बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली जो सूरज से रेडिएशन आती हैं सोलर रेडिएशन हैं वो अर्थ के साथ स्ट्राइक करती हैं अर्थ पर आ फॉल करती हैं इसको हीट अप करती हैं ठीक है जो हीटेड अर्थ है वो री रेडिएट करता है इट बेसिकली री द एबजॉर्ब हीट एनर्जी उसको री रेडिएट करेगा यानी कि उसको वापस स्पेस में भेजेगा कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल थिन लेयर के जरिए तो इस तरह से हमारा जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है उसको फेल आप याब करोगे टॉलरेबल रखा जाता है लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर थिक होगी वो हीट की री रेडिएशन को रोक देती है ठीक है हीट को आ, हीट की री डी रेडिएशन को रोकने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट एनर्जी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है या हमारे टेम्परेचर का जो मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है जिसकी वजह से अर्थ सर्फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं वैसे ही ठीक है तो यहाँ पे जो एब्नॉमल थिक लेयर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की वो ग्रीन हाउस के लिए एज अ ग्लास एक्ट करती है ठीक है तो यहाँ पे वो ग्रीन हाउस के लिए जो एज अ ग्लास एक्ट कर रही है तो बेसिकली सोलर रेडिशन्स को आने तो देगी पर वापस नहीं आने देगी जैसे कि आप देख सकते हैं बट आपके सामने एक इमेज जो की है ये एक ग्रीन हाउस बना हुआ है ठीक है ग्रीन हाउस बेसिकली कवरिंग मटेरियल्स का बना हुआ होता है जिसमें ग्लास भी हो सकता है प्लास्टिक का बना हुआ भी हो सकता है जैसे आपने नर्सरीज देखी होंगी जिस जिसपे ग्रीन कलर की वो तरपाल लगाते हैं जैसे घरों में गराज पर अगर कहने के कवरिंग नहीं है तो गराज के ऊपर ग्रीन कलर की तरपाल लगाते हैं कि नीचे गराज में बाइक खड़ी है कोई गाड़ी खड़ी है तो उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा ना वो गर्म हो जाए तो वो तरपाल भी बेसिकली क्या करती है वो तरपाल जो सूरज की कितने ज़मीन पर पड़ी रही है या उस हिस्से में पड़ी रही है उसको एब्जॉर्ब कर रही है ठीक है और उसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो उसको थोड़ा सा मेनटेन रखती है अब नर्सरीज़ में क्या होता है कि नर्सरीज़ में मोस्टली किस में होता है कि जो ग्रीन चादर जो तरपाल लगी हुई होती है इसमें इस, इस तरपाल के नीचे जो पौधे मौजूद होते हैं वो वो पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ठीक है तरपाल रेडिएशन को लेकर तो आएगी लेकिन वापस लेकर नहीं जाएगी ठीक है वापस जाने नहीं देगी इसी तरह से यहाँ पे जो आपके सामने इमेज हो गई है इसमें यही बताया गया है कि सूरज से रोशनी आ तो रही है सूरज से रेडिएशन ग्रीन हाउस के अंदर आ रही हैं पर वो बाउंस बैक नहीं होंगी ठीक है मतलब वो वापस स्पेस की तरफ नहीं जाएंगी वहीं पर कह लो कि उनको वहीं पर प्रिवेंट कर दिया जाएगा बाहर जाने से जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो प्लांट्स ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करना चाहते हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर वो उस टेम्परेचर में फिर ईजीली ग्रो कर जाते हैं अपने फ्रूट्स बनाते हैं और सालाना पैदा देते हैं ठीक है उसी तरह से एक डायग्राम दिखाई गई कि हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है एन टू ओ है एन ओ टू है ये गैसेज जो हैं ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं रेडिएशन लॉन्ग वेव लेंथ की भी होती हैं शॉर्ट वेव लेंथ की भी होती हैं लॉन्ग वेव लेंथ की, 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 की रेडिएशन ज्यादातर जो है वो अर्थ सर्विस के अंदर ही रह जाती हैं जबकि शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशन जो होती हैं वो समटाइम्स रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाती हैं अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं तो ग्रीन हाउस में बेसिकली जो गैसेस हैं उन गैसेस की अगर मेदार ज़्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग करते ठीक है यानी कि हीट एनर्जी जितनी भी आ, आती है क्या कि हीट एनर्जी जितनी भी अज, अज, सरफेस पे सूरज की रोशनी से या सोलर रेडिएशन से आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर और जो हमारे टेम्परेचर की वजह से या हमारी सराउंडिंग पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो उस हीट एनर्जी को एबजॉर्ब कर लेते हैं अर्थ सरफेस ग्रेटली हीटेड अप हो गया इट मीन्स इट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कैसा एक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस का ग्लास के तौर पर एक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस मैंने भी आपको बताया कि ग्लास का बना हुआ होता है प्लास्टिक का बना हुआ है या डिफरेंट कवरिंग मटेरियल्स का बना हुआ होता है जो रेडिएशन्स को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उनको वापस नहीं जाने देगा तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट एक्ट लाइक अ ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस ठीक है इसकी जो थिक लेयर है वो रेडिएशंस को एंटर होने देंगी पर उनको रेडिएशन की जो हीट एनर्जी बनी है हीट वेव्स बनी है उनको एग्जिट नहीं होने देगी जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और ये अर्थ का टेम्परेचर जो बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से इंक्रीज़ होता है इसको आप ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। और global warming हो और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब देखें अब देखा जाए तो हमारी इन्वायरमेंट uh, में हमारा राइट नाउ टेम्परेचर जो है पास्ट पास की नस्पत डे बाई डे इंक्रीज़ ही हो रहा है ठीक गर्मिया है गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं शिद्दत की होती हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्यों उसकी रीज़न क्या है Uh, कुछ कॉजेज़ हैं उसकी कुछ कहने के वजूहत हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे देखिए ग्लोबल वार्मिंग की इमेज भी आपके साथ इसलिए शेयर किया गया आपको पता चल सके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इट मीनस ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो काजेज़ हम ये हार्मुल इफेक्ट्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को बंद करते हैं अपनी एनर्जी uh, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फैक्ट्रीज़ में फर्नेसिस में ऑटोमोबाइल्स में ये सारी जो अनकंट्रोल्ड बर्निंग होती है बेसिकली ये लार्ज क्वांटिटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है फॉसिल फ्यूल्स को बंद करने से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में इंक्रीज रिलीज़ uh, होता है अब जैसे जैसे उसकी uh, उसकी कंसंट्रेशन उसका लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा इट मीनस कि थिक लेयर बनना शुरू हो जाएगी वो थिक लेयर फिर क्या करेगी सूरज से रेडिएशन को आने तो देगी पर वापस नहीं जाने देगी उसी तरह से ओवर अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाता है ठीक है अब डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे क्या रोल होगा आप प्लांट्स को कट डाउन कर रहे हो हमने स्टार्ट में बताया स्टार्ट में पॉइंट देखा कि ग्रीन प्लांट्स जो है अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर हमारे अर्थ एटमोसफेयर के अंदर वो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं जब प्लांट्स ही कम हो जाएंगे अब जब डे बाई डे दे, आप डेली बेसिस पे आप फॉरेस्ट को प्लांट्स को ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा प्लांट्स तो एब्जॉर्ब करने के लिए है ही नहीं और हमारे लिए तो वो वैसे ही हार्मफुल होती है तो इट मीनस कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ही नहीं कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर के अंदर ही मौजूद रह जाती है और उसकी जो लेयर है वो डे डे बाई डे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो थिक हो जाती है और ओवर अर्बनाइजेशन भी ये है कि अर्बन एरियाज एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं ठीक है बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रही हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उनसे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ऐसी रिलीज होती हैं जो हमारी एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को थिक करती जा रही हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जितनी ज़्यादा थिक होगी रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा बाहर नहीं वा, वापस नहीं जा सकती इट मीन्स कि एक्सेसिव हीटिंग होगी एक्सेसिव हीटिंग की वजह से पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है ठीक है आइस जो है माउंटेन स्नोज माउंटेन पहाड़ों पर जो स्नो है या ग्लेशियर्स जो हमारे मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होना शुरू होते हैं उसके साथ साथ ये मेल्टेड आइस जो है जाहिर सी बात है ये पानी में चेंज हो गई मेल्टड आइस या जो स्नो है ये वाटर में चेंज हो जाएगी और उसके अलावा जो मानसून बारिशें होती हैं ये दोनों चीज़ें बर्फ़ का पिघलने से बर्फ़ के पिघलने से जो पानी आता है वो और जो मानसून मानसून बारिशों का पानी होता है ये मिलकर फ्लड कॉज करती हैं फ्लड ले आती हैं वो सैलाब जो है उस सैलाब की वजह से सी लेवल इंक्रीज़ करता है सी लेवल इंक्रीज करने की वजह से रिज़ल्ट क्या आता है कि जो कोस्टल टाउन्स हैं वो सिंक कर जाते हैं वो बह जाते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट इसका बेसिकली क्या है कॉजेज़ आपने देख देखने कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से ओवर अर्बनाइजेशन से या डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है थी क्लियर बन रही है तो रेडिएशन अर्थ पे फॉल तो कर रही हैं लेकिन वापस नहीं जा रही जिसकी वजह से अर्थ हीटअप हो रहा है अब उसके हीटअप होने का मतलब क्या है अगर एक्सेसिव हीटिंग हो चुकी है तो इट मीन्स कि हमारे जो आइस माउंटेन स्नोज में प्रेजेंट है जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गया मेल्ट होकर वो पानी सारा रिवर रिवर से सी में ट्रांसफर हो रहा है तो इट मीन्स के ये पानी जो बर्फ़ से पिघर कर पानी की सूरत में सी लेवल में जा रही है उसका लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है जिसकी वजह से जो समुंदर के आसपास के एरियाज़ हैं टाउन्स हैं वो बह जाते हैं सैलाब आ जाता है क्योंकि जैसे आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा जब सैलाब आता है मानसून की बारिशों में इस मौसम में जब सैलाब आता है तो कितने विलेज़ कितने गाँव जो हैं वो डूब जाते हैं उसमें ठीक है जिसके बाद फिर वोटर बॉन्ड डिजीज़ भी हो जाती हैं तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसमें यही है कि एक्सेसिव हीटिंग की वजह से फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे कोस्टल तो टाउन्स जो हैं वो बह जाते हैं क्योंकि सी लेवल या रिवर लेवल जो है वो राइज कर जाता है उसके बाद बेटा आपके पास ये एक छोटा सा टेबल है आपके पास पेज नंबर आई थिंक टू सेवेंटी फोर पर ये आपके पास टेबल गिवन है आपने ये टेबल ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी तैयार करना है और शॉर्ट की फॉर्म में भी शॉर्ट की फॉर्म में इस तरह से कि आपको एयर पेटेंट्स के नाम पूछे जा सकते हैं ठीक है या किसी भी एक एयर पेटेंट का हाँ इफेक्ट पूछा जा सकता है उसके सोर्सेज पूछे जा सकते हैं तो एयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पांच एयर प्रोडक्ट्स गिवन है जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड लेड कंपाउंड्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इसके सोर्सेज क्या है एरोसोल स्प्रे फॉर्म्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर्स इन तीन चीज़ों से सी एफ सी रिलीज़ होती है हार्मफुल इफेक्ट क्या है ओजोन लेयर को थिक से थिन कर रही हैं और उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है इट मीनस कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है अर्थ अर्थ जो है वो हमारी जो अर्थ सर्फेस है वो वार्म अप हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड पावर स्टेशन या फ्यूल्स के बंद करने से रिलीज होता है जो एसिड रेन कॉज करता है ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स कॉज करता है और उसके साथ साथ लंग कैंसर भी कॉज करता है लेड कंपाउंड्स ऑयल या जो आप लेड पेट्रोल यूज़ करते हो व्हीकल्स वगैरह में उसको कम्बस्ट करने से लेड जो है वो हमारी एटमोसफेयर में हमारी एयर में रिलीज़ होती है ब्लड पॉइजनिंग ब्रेन डैमेज और फॉरेस्ट का डिक्लाइन जो है वो बेसिकली इन्हीं की वजह से है इस इन एयर प्रोडक्ट्स की वजह से है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉसिल फ्यूल्स को बंद करने से निकलते हैं तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करता है उसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी एसिड रेन कॉज करते हैं उस उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कफिंग और हेडिक वगैरह जो होती है वो भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के जो सोर्सेज हैं या कहने कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कार्बन कंपाउंड की या कार्बोनेट की जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो ये इसके मेन सोर्सेज हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिस होती है हमारे लिए इवन वन परसेंट भी अगर हमारे लंग्स में मौजूद हो तो विद इन फाइव मिनट्स जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो सकता है हेडिक होती है और डेथ कॉज कर सकते हैं तो ये वो एयर प्रोडेंट्स हैं बेसिकली जो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं हमारे लिए हार्मुल हैं और हम हमें बहुत से नुकसान जो हैं वो इसकी वजह से और बहुत सारे डिजीज डिसऑर्डर जो है वो इनकी वजह से इन एयर प्रोडेंट्स की वजह से हो सकते हैं लास्ट पॉइंट इसमें आता है लास्ट मैनिफेस्टेशन है एसिड रेन तेजाबी बारिश फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लिबरेट होते हैं मतलब रिलीज़ होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं जो अवेपोरेशन या ट्रांसपारेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जो ऑक्साइड्स uh, नाइट्रोजन के या सल्फ़र के रिलीज़ होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से फैक्ट्रीज वगैरह से या किसी भी इंडस्ट्रीज से या व्हीकल वगैरह से तो यहाँ पे ये ऑक्साइड्स का काम क्या है ये एटमोसफेयर में जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं उनके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं जिससे ये डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं और वो एसिड्स एसिड एसिड जो है वो रेन वाटर के साथ अर्थ सर्फेस पर वापस आते हैं जब तक बारिश नहीं होगी वो एसिड्स जो हैं वो हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं जैसे ही बारिश होगी वो बारिश के पानी के साथ अर्थ सरफेस पे वापस आते हैं इसको आप एसिड रेन कहते हैं या माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स या एसिड डापोजिशन का नाम देते हो ठीक है तेजाबी बारिश है इट मीनस यह हार्मुल होगी गाड़ियों के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दरख्तों के लिए पौध हर तरह के पौधों के लिए फसलों के लिए इवन ह्यूमन बींग्स के लिए तो एसिड रेन बनती कैसे हैं फ्यूल्स के बंद करने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं एटमोसफेयर में एटमोसफेयर में वाटर पेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट एसिड्स की फॉर्मेशन करेंगे लाइक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्योरस एसिड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोस एसिड ये एसिड्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं जब तक बारिश नहीं होगी जैसे ही बारिश होगी बारिश के पानी के साथ ही अर्थ सर्फिस पर वापस आ जाते हैं इसको आप ऐसे ड्रेन कहते हो आपके बुक में बेटा एक इमेज गिवन है आप वो भी कर सकते हो आप चाहो तो ये इजी सा मैंने एक स्केच आउट आपके लिए निकाला था आप ये भी कर सकते हो जिसमें सिंपल सा पॉइंट गिवन है कि वाटर जो कि हमारे क्लाउड्स में वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वापोरेशन या ट्रांसपेरेशन के रिजल्ट में इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर सॉरी नाइट्रोजन डाईऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो एच एनो थ्री एच टू एस ओ फोर एच एन ओ टू या एच टू एस ओ थ्री जो है वो वापस ज़मीन पर आते हैं बारिश के साथ जो हमारे प्लांट्स को ट्रीज़ को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो एसिड रेन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिसमें कुछ आपके सामने मेंशन किए गए हैं सॉइल की एसिडिटी को इनक्रीज़ करते हैं एसिड रेन है मींस एसिड मौजूद हैं तो जब ये बारिश का पानी जिसके साथ ये एसिड रेन इसके एसिड्स आ रहे हैं ज़मीन पर वापस जब ये बारिश का पानी मिट्टी में जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एसिड्स जाएग ऐड हो जाएंगे क्रॉप्स को ट्रीज़ यानी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे जितने भी एनिमल ह्यूमन लाइफ है उनको इंडेंजर कर रहा है जो ड्रेनिंग होती है थ्रू सॉयल उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है या पोटेशियम वगैरह है वो इसी बारिश के पानी के साथ जिसके अंदर बेसिकली एसिड्स मौजूद होते हैं उसके साथ ड्रेन आउट कर जाते हैं और वो कैल्शियम और पोटेशियम प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उसके अलावा प्लांट्स में पॉइजनिंग ज़्यादा हो जाती है न्यूट्रिएंट्स डिप्रीवड हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो वीक हो जाते हैं विलनरेबल हो जाते हैं यानी कि कोई भी पैरासाइट जब उन पर ईजिली अटैक कर सकता है इंसेक्ट उस पर अटैक कर सकता है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उसके अलावा एसिड रेन डिकम्पोजिज को भी ख़त्म कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस को बैक्टीरिया को जितने भी कहने के डिकम्पोज लाइक बैक्टीरिया फंजाए हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये एसिड रेन जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देती है किल कर देती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन कैंसर भी कॉज करती है और स्टोन uh, कैंसर को भी प्रमोट एसिड्रेन ही करती है एसिड्रेन uh, मतलब स्किन कैंसर और स्टोन कैंसर की जो मेन कॉज है वो एसिड ड्रेन ही है स्टोन कैंसर किसे कहते हैं आप स्टोन कैंसर बेटा ताजमहल की एग्जाम्पल इसमें दी जाती है अच्छा आपके सामने बेटा ये एक मैंने इमेज रखी है ये आपकी बुक की इमेज है बुक में आपको ये गिवन है आप चाहो तो ये बना सकते हो अगर आपको इजी लगे अदरवाइज जो इमेज मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी एसिडेंट की आप वो भी इजीली कर सकते हो पॉइंट बस ये है कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है एसीडेंट का वो आपका डायग्रामेटिकली भी क्लियर होना चाहिए स्टोन कैंसर किसे कहते हैं स्टोन कैंसर में हम ताजमहल की एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि एसिड रेन के अंदर एसिड्स होते हैं तो ये बेसिकली बिल्डिंग स्टोन्स या मार्बल वगैरह को ना क्रोड कर देते हैं ठीक है मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको डैमेज कर देंगे इसको आप स्टोन कैंसर का नाम देते हो ठीक है क्रोड मतलब जितने भी यादगार इमारतें हैं उनका रंग जो है वो ख़राब हो चुका है क्रोडिंग कर देता है मतलब बिल्डिंग स्टोन्स या मार्बल वगैरह जो है उनका रंग खराब कर देता है उनका रंग जो है वो पीला पड़ जाता है जिससे बिल्डिंग जो आपकी बनी जैसे ताजमहल जो बना है उसका रंग चेंज हो चुका हुआ है ठीक है तो स्टोन मोनोमेंट्स यानी कि जितने भी यादगार इमारतें ताजमहल वगैरह उसमें जो स्टोन कैंसर कॉज हो रहा है बेसिकली वो एसिड रेन की वजह से है आपकी बुक पे पेज नंबर टू सेवेंटी फोर पर बेटा ये येलो बॉक्स में रिएक्शंस दिए वही रिएक्शंस आपने एसिड रेन के साथ लिखने हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स का रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड यानी कि एच और नाइट्रस एसिड यानी कि एच की फॉर्मेशन करता है ठीक है उसके साथ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एच टू एस ओ फोर और सल्फ्यूरस एसिड यानी कि एच टू एस ओ थ्री की फॉर्मेशन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से रिलीज़ होती है वो हमारी एयर में वाटर वेपर्स कंबाइन करके एटमॉस्फेयर में एसिड्स बनाती है जिसके रिजल्ट में ये सारा प्रोसेस या ये प्रॉब्लम्स या हार्मुल इफ़ेक्ट्स होती हैं स्टोन कैंसर के लिए आप ताजमहल की एग्जाम्पल देख सकते हो ताजमहल का जो मार्बल इस्तेमाल किया जाता है वो वाइट कलर का होता है आप राइट नाउ देख सकते हो उसका कलर फेड हो चुका है कलर ख़राब हो चुका है तो इसका कलर जो चेंज हुआ है ग्रेजुअली वाइट मार्बल का वो किस वजह से है उसकी मेजर कॉज के उसकी मेजर कॉज एसिड ड्रेन है बेटा आज के टॉपिक यहीं पर आपका कंप्लीट होता है आज के टॉपिक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा एयर पोल्यूशन पर कंप्लीट नोट आ सकता है और जोन ले डिप्रेशन पर भी आपको नोट आ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी नोट आ सकता है और एसिड ड्रेन पर भी नोट आ सकता है ध्यान ये रखिएगा कि आपने लिखना कितना कितना है उस चीज़ को मद्देनजर रखना है ओजोन लेयर डिप्लीशन का आपके पोर्शन में सिर्फ आपने ओज़ोन लेयर डिप्लीशन का ही बताना है एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो उसमें आपने सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट का बताना है आप चाहो तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका नाम मैंशन कर सकते हो जिसमें क्लोरोफ्लो लेड लैड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आ सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ सकते हैं मीथेन भी आ सकता है ठीक है एसिड ड्रेन है तो बेटा एसिड ड्रेन में आपने डेफिनेशन ये रिएक्शंस उसकी कॉजेज उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स उसकी जो डायग्राम है वो सब कुछ आपने बताना है और ताजमहल का जिक्र आपने स्टोन कैंसर में जरूर करना है उसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है बेटा स्टोन कैंसर का जो अक्सर पूछा जाता है कि स्टोन कैंसर क्या है उसमें आप ये सारा पॉइंट बताओगे स्टोन कैंसर का जिसमें आपने ताजमहल की एग्जाम्पल भी देनी है और टेबल आपको मैंने पहले भी बताया कि इसको आप ज़्यादा कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव और और जो आपके मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब एम और शॉर्ट क्वेश्चन के, के लिहाज से इसको तैयार करो ताकि आपका ये टेबल भी जो है वो साथ साथ प्रिपेयर हो जाए और उसके अलावा इस पूरे टॉपिक को बेसिकली आपने लॉन्ग शॉर्ट और एम तीनों के लिए तैयार करना है ठीक है शॉर्ट में पोल्यूशन प्लूट की डेफिनेशन भी आ सकती है लेकिन ज़्यादा जो इसमें लॉन्ग के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वो तीनों टॉपिक्स हैं ये पूरा एयर पोल्यूशन है तो इसको पूरे को अच्छी तरह से तैयार करें जिस क्वेश्चन की या जिस पॉइंट की समझ ना है ना आए या अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा उसको रजिस्टर पे अपना लेक्चर जहाँ पे नोट करते हो उस क्वेश्चन को वहीं पे नोट डाउन कर लो जब भी आपके कॉलेज री ओपन होंगे इन हम आपके क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे और क्लियर आउट कर देंगे ओके बच्चों थैंक यू फॉर लिसनिंग हाफ़ क्लास